गुरुजी ने भंडारा करने भेजा था, वहाँ कुछ इलाके गरीब थे, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ माला करने चले गए पहाड़ पे। तो उनके दो शिष्य थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप ये बंगाली में आनंद महिमा को क्या बोल रहे थे, तो मैंने उनकी निष्ठा को प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई, इतना सुंदर मुझे उन्होंने शिक्षा दी। ज्ञान मूर्ति श्रद्धे आनंद महिमा अंतिम यात्रा माँ की देहरादून आश्रम में पूर्णावति हुई और हरिद्वार के कनखल स्थान में माँ को समाधि दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। आनंद महिमा का एक आश्रम विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश, विंध्यवासिनी माता का नाम सुना होगा। विंध्यवासिनी के थोड़े ऊपर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आनंद महिमा का आश्रम है, शक्तिपीठ है ऊपर, नीचे आश्रम है। एक बार मिर्जापुर में सत्संग था, गुरुजी ने भंडारा करने भेजा था, वहाँ कुछ इलाके गरीब थे, 7 दिन के भंडारे थे और 8वें दिन बापूजी ने पूना आने के लिए कहा, पर टिकट नहीं बन पा रही थी और जिनके घर रुके थे वो घर में रहना उनको आश्रम में रहकर अनुकूल नहीं आता। तो मैंने उनको पूछा था कि कोई आसपास संतों का आश्रम हो तो ले चलो, तो उन्होंने कहा यहाँ आनंद महिमा का आश्रम है, हम आपको लेके चलते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ माला करने चले गए पहाड़ पे। तो उनके दो शिष्य थे आनंद महिमा के, हम लोग माला कर रहे थे, उन्होंने हमको बोला आप बापू जी के आश्रम से, पुरानी बात है। फिर मैंने इतनी में देखा उनका एक शिष्य आया माँ का और वो माँ के आगे कुछ पैसे रखा और बंगाली भाषा में बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बैंक भी जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा, सब्जी भी लानी है और ये सामान खूटा है, और बंगाली में बोला मेरे को परमिशन दो तो मैं आता हूँ। फिर वो 1 घंटे 1.5 घंटे में आए, फिर हाथ पैर धो के उन्होंने माँ को प्रणाम किया और पैसों का हिसाब बताया कि इतना इतना सामान आया है और ऐसा ऐसा आज हुआ। फिर उन्होंने मेरे को पूछा आप लोग भोजन करके जाओगे, तो हमने कहा नहीं, हम अपने निवास पे बनाएंगे, हम बस संध्या करके जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये बंगाली में आनंद महिमा को क्या बोल रहे थे, तो कहा माँ को बता रहा था ये सामान आया, इतना इतना खर्चा हुआ और इतना इतना बच गया, तो माँ को पूरा रिपोर्ट दिया। तो मेरे को ये लग रहा था भाई ये माँ का स्वरूप है, लेकिन उसको लग रहा था कि साकार उनके गुरु माँ हैं। तो मेरे चेहरे से वो पड़ गए, बोले आपको ये आनंद महिमा का फोटो लगता है क्या, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने कहा हाँ। तो बोला वो आपको लगता होगा, मेरे लिए तो मेरे गुरु विराजमान है, इसलिए मैं आता भी हूँ तो भी गुरु को प्रणाम कर कर, जाता भी हूँ तो गुरु को प्रणाम कर। तो मैंने उनकी निष्ठा को प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई कि आप गाते हो ना गुरु साक्षात पर, तो व्यापक है वो, समाया है सब जगह, और जहाँ गुरु एक बार विराजमान हो, जहाँ उनकी चरण रज पड़ी हो, जहाँ बैठकर उन्होंने सत्संग किया हो, प्रवचन दिया हो, लोगों को दीक्षा दी हो, वो स्थान स्वतः शक्तिपात हो जाता है। जय राम जी के, इतना सुंदर मुझे उन्होंने शिक्षा दी। और उनके आश्रम में नियम है कि बहनें सूर्यास्त के बाद नहीं रहती हैं,
लेकिन उन्होंने हमको देखा, हमने पूरा दिन मौन रखा, मूंग खाया। तो दूसरे दिन मेरे को बोले कि वो सामने वाला कक्ष है ना, वो आप लेके भजन करो। मैंने कहा आपका नियम है ना सूर्यास्त के बाद महीने नहीं रहती हैं? बोले हाँ, आश्रम का नियम है, इसलिए मैं आश्रम का बाहर वाला कक्ष दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमको देखा तुम भजनानंदी हो, लेकिन अगर तुमको मैं यहाँ निवास नहीं दूंगा तो हमारी माँ हम पे नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि माँ कहती थी कि साज उसी का है जो बोलो बजाना जाता है, गीत उसी का है जो गाना, आश्रम उसी का है जो रहे, भजन करे, सेवा करे, आश्रम उसी का।